म्हणजे इंडिया आघाडीचं म्हणतो मी, आणि मिझोराममध्ये सुद्धा प्रादेशिक पक्षांबरोबर काँग्रेस पक्ष सत्तेमध्ये असेल. पाच राज्य ह्याच्यावरती आता चर्चा न केलेली बरी, त्याच्यावर सरकारनं उत्तर द्यावं. पाच राज्य देखिए, एक्झिट पोल हो या ओपिनियन पोल हो, उसके ऊपर आप क्या बात करना है. अपना अपना एक तंत्र होता है, एजेंसी होती है, काम करती है, सैंपल सर्वे लिए जाते हैं. लेकिन कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन आ रहे हैं और आ गए हैं, ये कहने के लिए कोई ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है. कांग्रेस पार्टी का विजय यानी इंडिया अलायंस का विजय, मैं ये मानता हूँ. चाहे बहुत सी जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया अलायंस की है जो इस राज्य में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी है सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, वो अगर चुनाव जीत रही है तो उसका मतलब है इंडिया अलायंस चुनाव जीत रही है. राहुल गांधी जी के लीडरशिप में, प्रियंका गांधी जी के लीडरशिप में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लीडरशिप में, यही मोदी जी और अमित शाह जी थे ना 2024-14 से बोल रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत की गर्जना कर रहे थे, लेकिन इस पास राज्य ने आपका पसीना छुड़ा दिया, राहुल जी और प्रियंका जी और खड़गे साहब ने. हाँ, प्रधानमंत्री डेरा डालकर बैठे हैं चार चार दिन एक एक राज्य में, गृहमंत्री बैठे हैं, पूरा उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठे है, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा अपने विधानसभा में. उसका मतलब है 2024 की दिशा और दशा क्या है बीजेपी की, ये स्पष्ट रूप से आपको पांच राज्यों के चुनाव से दिखेगा. मुझे पूरा विश्वास है, मैं एग्जिट पोल पे नहीं जा रहा हूँ, मैं एग्जिट पोल पे नहीं जा रहा हूँ. ये कांटे की टक्कर होना, ये भी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरनाक खेल है. जिस कांग्रेस पार्टी को आप कोई देश के राजनीति में कोई महत्व नहीं दे रहे थे, हाँ, ये कांग्रेस पार्टी क्या है, ये राहुल गांधी जी क्या है, ये प्रियंका जी क्या है, लेकिन यही लोगों ने, यही पार्टी ने आपके सामने एक चैलेंज खड़ा किया और अभी आप ये पांच राज्यों में हारने जा रहे हैं. आप हार रहे हो. होने दो ना, तो क्या हो गया, ये राजनीति है. व्हाट इज द रिजॉर्ट, तो गुवाहाटी और सूरत में क्या हो गया था महाराष्ट्र के बारे में, वो कौन सा पॉलिटिक्स था, वो कौन सा पॉलिटिक्स था, शुरुआत किसने की है. तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो करना चाहिए, अपने अपने विधायकों को साथ रखना चाहिए, नहीं तो वापस ये तुम्हारा ईडी सीबीआई इनकम टैक्स घुस जाएगा कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर बुरखे पहनकर. तो इसलिए सबको एक साथ रखना जरूरी है. कोर्टात जायचं आहे मला, उद्या सकाळी 11 वाजता मी मालेगावच्या कोर्टामध्ये हजर होणार आहे. दादा भुसे जे या राज्याचे एक मंत्री आहेत आणि ज्या गद्दार हृदय सम्राटांचे सहकारी आहेत, त्यांनी आमच्यावरती खटला दाखल केला आहे. का खटला दाखल केला, तर गिरणा मोसम सहकारी साखर कारखान्याचे बचाव, कारखाना बचाव या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून 178 कोटी रुपये गोळा केले, 178 कोटी रुपये गोळा केले. आणि ते कुठे आहेत, त्याचा हिशोब काय, कारखान्याचं काय झालं, याचा आता पत्ता नाही. दौंडचा कारखाना असेल भीमा पाटस, राहुल कुल यांच्या बाबतीत मी आरोप केलेले नाही आहेत, मी पुरावे दिलेले आहेत. दादा भुसे यांच्या बाबतीमध्ये आरोप केलेले नाहीत, तर पुरावे दिलेले आहेत, पण त्यांच्यावरती कारवाया होत नाही, ते आमच्यावरती खटले दाखल करतात. पण एका कर्ज प्रकरणामध्ये दादा भुसे दबाव आणून पोलिसांवर आमच्या अद्वय हिरे शिवसेनेचे उपनेते यांना तुरुंगात टाकतात. हा या राज्यातला कायदा आहे. तुम्ही समान कायद्याची गोष्ट करता ना, मग हा कायदा कोणाच्या कोठीवर नाचवताय तुम्ही. आम्ही जाऊ नव्हतो त्या मालेगावच्या कोर्टामध्ये, मी जाणार आणि दादा भुसेची केस लढवणार. 2024 पर्यंत दादा भुसेसुद्धा तुरुंगात असेल, लक्षात घ्या. 178 कोटीचं मनी लॉन्ड्रिंग आहे. पैसे कुठे गेले पैसे, राहुल कुल, भीमा पाटस, 450 ते 500 कोटीचं मनी लॉन्ड्रिंग आहे, पुरावे आहेत. दिसत नाही का ईडी सीबीआयला, पाहू
चलिए गठबंधन जो है छोड़कर प्रफुल्ल पटेल का कहना था 2004 में एनसीपी के साथ बीजेपी जाने वाली थी शिवसेना से अलग होके, क्योंकि प्रमोद महाजन जी की वजह से 2004 में प्रफुल्ल पटेल ने बयान दिया, 2004 में एनसीपी और बीजेपी में गठबंधन होने वाला था, लेकिन प्रमोद महाजन को इस बारे में पता चल गया और प्रमोद महाजन ने बाला साहब ठाकरे को बता दिया और बाला साहब ठाकरे के बयान आने लगे, उसके बाद इनका गठबंधन नहीं हुआ। प्रमोद महाजन को ऐसा लग रहा था कि शरद पवार बड़े नेता हो जाएंगे, इस वजह से ये गठबंधन। देखिए अभी प्रफुल्ल भाई क्या बोल रहे हैं या सुनील तटकरे जी क्या बोल रहे हैं उसमें मैं नहीं जाऊँगा। 2004 के बाद 2004, 2009 के बाद 2009 में, हाँ उसके बाद 2014 के बाद 2019 के बाद, छोड़ दीजिए ना, मैं आज की बात कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है, मैं शरद पवार साहब को अच्छी तरह से जानता हूँ, उनकी पुरोगामी प्रोग्रेसिव विचारधारा को जानता हूँ, शाहू फुले अंबेडकर जी, यशवंतराव चव्हाण, उनके विचारधारा को आगे लेके जाने वाले पवार साहब नेता है,